मधुमक्खी इंसान को काटते ही मर जाती है, और वो मरती इसलिए है क्योंकि इंसान को डंक मारने की वजह से मधुमक्खी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स और मसल्स पूरी तरह से टूट जाते हैं। चलो 3D एनिमेशन की मदद से इसके पीछे के रीजन को समझो। मधुमक्खी डंक मारते ही एपिटॉक्सिन नाम का जहर अपने वेनम सैक में से हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब उसका ये डंक हमारी स्किन काफी मोटी होने की वजह से उसमें फंस जाएगा। अब जैसे ही मधुमक्खी अपने आप को अलग खींचने की कोशिश करेगी तो उसका एब्डोमेन उखड़ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी टूट जाएगा और वेनम सैक डंक के साथ इधर ही रह जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में ऑब्वियसली मसल्स टियर अपार्ट होंगी और हनी बी की मौत निश्चित है। इसकी मौत का शौक आप बाद में मनाना, पहले इस डंक को निकालो। पर क्यों? क्योंकि ये वेनम सैक मधुमक्खी से अलग होने के बाद भी जहर तो पंप करता ही रहता है ना। इस बात को भी नोट कर लो कि अगर ये ही मधुमक्खी किसी इंसेक्ट को काटती तो नहीं मरती, और वो इसलिए नहीं मरती क्योंकि इंसेक्ट की स्किन काफी पतली होती है और इसका डंक उसमें फंसता ही नहीं है।